तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन अनदर व्लॉग। और इंटर्नशिप के कुछ लास्ट दिन बचे हुए हैं, सो मैंने सोचा एक व्लॉग और बनाई दें। वैसे मे भी हो सकता है आज हमें कोर्ट घूमने का मौका मिल जाए। कोर्ट तो हम डेली जाते ही हैं, सुप्रीम कोर्ट घूमने का मौका मिल सकता है, क्योंकि यूजुअली वहाँ पर इंटर्नस को अलाउ नहीं होता, इसलिए जाते नहीं हैं लोग। बट मे भी हो सकता है आज हमें घूमने का मौका मिले, सो इसलिए मैं ड्रेस व्रेस पूरा पहन के जाता हूँ। अदरवाइज ऑफिस जाते हैं ना, तो हम लोग कैजुअल फॉर्मल्स में भी जा सकते हैं। वैसे हमारे रूम में भाई बालकनी अलकनी भी है, जिसका हमने अभी लास्ट कुछ चुनिंदा दिनों में इस्तेमाल करने शुरू किया है, क्योंकि यार इतनी ठंडी होती थी ना, बालकनी खोलने तक का मन नहीं करता था। स्टार्टिंग में तो बड़ा अच्छा लगता था कि वो बालकनी भी है हमारे पास। भाई दिल्ली में इतनी ज़्यादा ठंडी है ना कि देखो, चार चार लेयर पहन के जाते हैं, अंदर थर्मल, ठीक है, फिर शर्ट, फिर कोट, देन उसके बाद ये हमारी पसंदीदा जैकेट। भाई इसके बिना काम नहीं चल रहा, दिल्ली में इतनी खतरनाक ठंड है ना कि मुझे कोट के ऊपर जैकेट भी पहनना पड़ता है। ऑल सेट भाई, चलते हैं जल्दी से। हम भाई हमारे रूम के जस्ट सामने जो है ना, ये मंदिर है, सामने राम भगवान दिख रहे हैं, तो काफ़ी पॉजिटिव वाइब आती है सुबह शाम, क्योंकि आरती होती है ना तो घंटे बजते हैं बस। वहाँ की चलते हैं अभी, क्योंकि काफ़ी लेट हो गए हम। भाई हम लोग जहाँ रहते हैं ना, उसकी लोकेशन काफ़ी प्यारी है। मतलब मैं 200 मीटर चला होगा, 2 मिनट भी नहीं चला हूँ और मेन रोड आ गई है। और यही यहाँ ऑफिस है मेरा, तो पास में काफ़ी, 5 मिनट लगते हैं बस पहुँचने में। जैसे मैंने आपको अभी बताया नहीं कि हम जा कहाँ रहे हैं, मैं जा रहा हूँ अभी AFT, दैट इज़ आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल, और मे भी हो सकता है उसके बाद हम कोर्ट भी जाएंगे, बट अभी AFT जा रहा हूँ मैं। कोर्ट आई मीन सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। वैसे तो वहाँ पे इंटर्न्स की एंट्री अलाउ नहीं होती है, बट दिक्कत ये है ना, अभी 26 जनवरी आने वाली है ना, तो यार नॉर्म्स है ना काफ़ी, मतलब प्रोटेक्शन सिक्योरिटी वगैरह काफ़ी स्ट्रॉन्ग है वहाँ पर। भाई साहब ये आ गया साउथ एक्सटेंशन, यहाँ पर एक एरिया है, क्योंकि रास्ते में पड़ता है, यही संस्कृति रहती है। यूजुअली अगर कोर्ट जाते थे तो मैं उसे पिक करते हुए जाता था, बट आज मे भी शायद वो आ नहीं रही है। कि कोर्ट यार सही ऑनेस्टली बताऊँ ना, तो कोर्ट जाना मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि भाई वहाँ पे बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है यार। सही स्टार्टिंग में तो आपको बड़ा वो शौक रहता है, हाँ हाँ कोर्ट जाएंगे कोर्ट जाएंगे, बट फिर अब अगर आप इंटर्न पर आए हुए हो और कोर्ट जाते हो ना, तो उससे बेटर है कि भाई आप ऑफिस में बैठ के काम कर लो अपना। कोर्ट सिर्फ टाइम वेस्ट होता है वहाँ पे, अगर आप एज ए इंटर्न जा रहे हो। ऑब्वियसली अगर आप प्रैक्टिस करने लगे और जूनियरशिप कर रहे हो किसी के अंदर, तो कोर्ट का तो मेजर काम कोर्ट में ही रहता है फिर आपका, क्योंकि आपको प्रैक्टिस सीखनी होती है। जब तक देखोगे नहीं, जब तक सीखोगे नहीं। हम AFT पहुँचने ही वाले हैं, बस यहाँ से लेफ्ट टर्न लेना है और आगे से जाकर राइट साइड में AFT है, और काफ़ी सारे, बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं यहाँ पे। वो जो पूरा एरिया है ना, ये बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं उस पूरे एरिया में। यहाँ राइट साइड वाला जो एरिया दिख रहा है ना आपको, ये यहाँ से ऑफिस स्टार्ट हो गए हैं, बल्कि डायरेक्टरेट जनरल, गृह मंत्रालय, बाकी सुप्रीम कोर्ट के लिए भाई हम काफ़ी एक्साइटेड हैं। होपफुली आप भी एक्साइटेड हो गए। तो भाई साहब AFT के अंदर हम आ गए हैं, बाकी अंदर का तो मैं कोर्ट प्रोसीडिंग्स आपको वैसे ही नहीं दिखाता, बट यहाँ का भी मैं कुछ ज़्यादा शूट नहीं कर सकता, क्योंकि ये आर्मी का एरिया और सिक्योरिटी रीजंस की वजह से ज़्यादा कुछ मैं दिखा नहीं सकता आपको। AFT हम लोग आ गए हैं। बाकी अगर AFT की आपको वीडियो देखना है ना, तो मैं दो वीडियो डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, एक शॉर्ट वीडियो बनाई हुई थी मैंने और एक ब्लॉग में भी आई थिंक कुछ कवर किया हुआ था। बाकी फिर से वापस वही चीज़ रिपीट करने से कोई मतलब नहीं, इसलिए वो देख लेना, यहाँ का देखना है आपको। तो इसको तो मैं ब्लॉग में ले लेता हूँ, मेरे सर नाना बन गए। गेट्स है, इसके बाद हमें अलाउ नहीं होता। इवन सिर्फ जो एडवोकेट्स हैं या जिसको पास मिलता है, सिर्फ वही अलाउ होते हैं। इंटर्न्स को तो पास भी नहीं मिलता, जिसमें कि भाई उससे ज़्यादा तो मेरे को ये शानदार लग रहा है। फिर भाई नींबू देख, कितने सारे लगे हुए हैं। अबे ऑरेंज है नींबू में, क्या है भाई ऑरेंज है।
सुप्रीम कोर्ट की कैंटीन है, इंडियन कॉफी हाउस है भाई, अब भी देखा मैंने, यहाँ पे भी पीछा नहीं छोड़ा है इन्होंने। एक आईपीएस भाई, जब सुप्रीम कोर्ट से हम लोग निकल गए और ये जो लेफ्ट साइड में आप देख रहे हो ना, ये प्रगति मैदान भाई, इतना ह्यूज दिख रहा है ना सच में। बाकी अभी हम लोग जा रहे हैं ऑफिस, और सुप्रीम कोर्ट में यार इंटर्न्स अंदर तो अलाउ होते नहीं हैं, तो कोई सेंस बना नहीं मेरे को लगा आके, बस बाहर बाहर से घूम लिया है और थोड़ा बहुत फाइलिंग आइलिंग की जगह देखती हैं, कैंटीन घूम ली है, बस दैट्स इट। लेफ्ट राइट में आपको जितने भी दिख रहे हैं ना, ये एम्बेसीज हैं आई थिंक, और काफ़ी अच्छा एरिया है यार, यहाँ पे काफ़ी सारे ये म्यूज़ियम वगैरह निकले हुए हैं। मॉन्यूमेंट्स तो नहीं थे यहाँ पे एक भी, बट काफ़ी टूरिस्टिक प्लेसेस थी यहाँ पे, और बहुत अच्छा लग रहा है यार व्यू सामने देखो, मस्त। प्रोफेशन में किसी दूसरी चीज़ को क्लैश करते हो ना, तो आप अनप्रोफेशनल लगने लगते हो। दैट इज़ द ओनली रीज़न कि मैं अवॉइड करता हूँ थोड़ा सा व्लॉगिंग और ये अदर थिंग्स, जितना होता है मैं फ्री टाइम में अपना सूट कर लेता हूँ भाई। साहब कैंटीन में तो हमने थोड़ा सा खा लिया था, बट भूख लग गई थी ऑफिस जाने से पहले, हमने कहा पराठे खा लिए जाएँ, काफ़ी अच्छे पराठे होते हैं ये वाले भाई साहब। ऐसी प्लेट होती है उस दिन मैं दिखा नहीं पाया था आपको, आज कड़ी उस दिन से राजमा था और ये पराठे, राइस प्लेट और ले लेते हैं तो पेट भर जाता है पूरा भाई साहब। मेरी तो इतनी सारी फाइल्स देख के ही फट जाती भाई, एक दिन के मैटर्स है ये वाले नहीं, इनको हटा दो, बट स्टिल भाई ये भी इतने सारे मैटर्स हैं ना, क्या ही बताएं तुम्हें। कुछ बोल ही नहीं रहा यार वो। कुछ है तो बोल दे यार, ओए अबे सुन रहा है? गुस्सा मत हो यार। कहाँ गया था घूमने? तुम परेशान तो कर रहे हो यार सदमियों से। इतना भी नहीं कर रहा भाई। तू अभी क्या बोला था? वो गिन रहा है भाई, क्या अच्छा ये बोला है। ये बेटा पूरे बदले लेगा वो, तुम मजे लेगा ना उसकी, आप पूरे बदले लेगा बेटा तब से, रमन भवन में जाके देखना। चिरंजी मत करे यार, मामा को बुला के लेके आएगा। चार लोग के बीच में, चार लोग के बीच में खत्म। और क्या, चार लोगों के बीच में ही बात है, सिर्फ चार, और सिर्फ चार देख, एक दो तीन और चार, और एक तो पांचवा। सो गाइस दिस इज़ नेक्स्ट मॉर्निंग, रात में मैं एंडिंग शूट कर नहीं पाया था, और जो लास्ट क्लिप देखी होगी आप लोगों ने, वो मेरे तीन रूममेट्स हैं, हम चारों लोगों ने मिलकर रूम ले लिया था यहाँ पे, और हम चारों लोग एक ही कॉलेज से DNL यूजलपुर, सो एक दूसरे को जानते थे, तो काफ़ी कंफर्टेबल तरीके से रह सकते थे यहाँ पे। बाकी यार सुप्रीम कोर्ट का ब्लॉग के लिए मैं काफ़ी एक्साइटेड था, सडनली मुझे अपॉर्चुनिटी मिली थी घूमने की, बट मैं थोड़ा सा, मुझे ऐसा लगा कि मैं ठीक से उतने अच्छे से ब्लॉग बना नहीं पाया। उसके पीछे का बेसिकली रीज़न ये था कि यार मेरी भी दो लाइफ है अभी, एक पर्सनल और एक प्रोफेशनल, सो यार मैं नहीं चाहता दोनों चीज़ें आपस में क्लैश हों, इसलिए मैंने थोड़ा सा वहाँ पर अवॉइड किया, क्योंकि यार वो कोर्ट है, वहाँ पर आप ब्लॉगिंग करो तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, आपका इम्प्रेशन ख़राब जाता है। बाकी जितना मुझसे कवर हो सकता था मैंने किया, बाकी नेक्स्ट टाइम ज़रूर ट्राई करेंगे और अच्छे से करने का, जैसा भी है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।